दस रुपए किलो। टमाटर देखिए ना कैसा कैसा टमाटर देखिए देखिए टमाटर है कि क्या है ये लग रहा है छोटका पिचका हुआ टमाटर। हंस लीजिए ना तो ये छोटका बुझा रहा है। देखिए छोटी बच्ची कितनी हंस रही है अपनी दादी के साथ कि नानी है दादी है और दादी देखिए दादी पोते का रिश्ता देखिए अपनी दादी के साथ। सब्जी भैया स्कूल पढ़ती हो ना बाबू? हाँ स्कूल में पढ़ना लिखना ठीक है। दे दीजिए एक किलो टमाटर भी जाइए बच्ची के लिए। किधर मटर था किधर मटर होता थी? ये घर का पत्ता गोभी है। ये कैसे पत्ता गोभी? 5 रुपए पीस इतना सस्ता दाम दोस्तों 5 रुपए पीस दे रहे हैं एक इसका 5 रुपया तो चलिए हम लोग 4 पीस ले लेते हैं। 4 पीस दे दीजिएगा। हाय दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर समीम जियो रिटर्न्स टीवी। गाइस आज हम लोग फिर एक नए विलेज मार्केट में आए हैं ओचर्ड और ये बाज़ार रविवार यानी संडे का दिन लगता है और ये बाज़ार सुबह से शाम तक रहता है और देख सकते हैं ठीक ये रोड किनारे लगाया जाता है ये बाज़ार और हम लोग इस बाज़ार के अंदर ख़रीदारी करने वाले हैं और ये बाज़ार बेहद ही खूबसूरत बाज़ार है। आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू है कितना खूबसूरत व्यू है गाइस यहाँ का। तो चलिए ये होचर बाज़ार में हम लोग शॉपिंग करते हैं कुछ खरीदारी करते हैं और सब्जियों के भाव सब पता करते हैं। आप लोग बताइए कि हमारा जो वीडियो होता है वो विलेज मार्केट गांव की जितने भी मार्केट विलेज बाज़ार के बारे में होता है और ये होचर बाज़ार आपको रिंग रोड जाने वाली जमशेदपुर जाने वाले और कोलकाता रास्ते मिलेगा और इधर से आपको कांके बोरिया निकलता है। तो चलिए बिना लेट किए वीडियो को आगे बढ़ाते गए हम लोग वीडियो आगे बात करें। देखिए 14 रुपये किलो मिल रहा है बहुत ही सस्ता क्योंकि अभी आलू का सीज़न चल रहा है और जैसे ही गर्मी आएगी तो आलू का रेट भी बढ़ जाएगा ना तो आलू का रेट गर्मियों में बढ़ जाएगा। तो चलिए हम लोग कुछ घर करने खरीदारी कर लेते हैं। अभी 5 kg आलू लाने को देसी बहाने हम लोग आलू भी खरीद लेते हैं तो हम लोग को 5 kg आलू दे दीजिएगा। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू कर लीजिएगा। आलू ले रहे थे तो हम लोग घर से कोई थैला लेकर आए नहीं हैं और कोई बोरा तो इसलिए हम लोग अभी थैला खरीदने के लिए आए हैं और जो भैया है वो बाज़ार में थैला बेचते हैं वो थैला लगा रहे हैं देख सकते हैं अभी वो अपना बाज़ार शुरुआत है तो अभी हम लोग थैला खरीद लेते हैं। आइए कितने का है भैया ये? 10। दोस्तों हम लोगों ने ये थैला खरीदा 10 रुपये प्राइस है इस थैला का और इसके अंदर हम लोग आलू लेने वाले हैं तो भैया को कुछ देते हैं लीजिए भैया। देखिए गाइस बहुत ही सस्ते दामों पर दिया हम लोग घर के लिए 5 kg आलू ले रहे हैं क्योंकि आलू का रोटी खाने में बहुत ही मज़ा आता है। आप लोग पता ही आलू भर की रोटी बहुत स्वादिष्ट होती है और गांव का जो आलू होता है बहुत ही ये घर का है ना चाची? हाँ ये बहुत लोग खरीद कर गांव का आलू से व्यापारी बेचते हैं। कितना हो गया? 70 रुपये हो गया। ये घर का पत्ता गोभी है। ये कैसे पत्ता गोभी? 5 रुपये पीस इतना सस्ता दाम दोस्तों 5 रुपये पीस दे रहे हैं एक इसका 5 रुपया तो चलिए हम लोग 4 पीस ले लेते हैं। 4 पीस दे दीजिएगा। दोस्तों हम लोग 4 पीस ले लेते हैं 5 रुपये पीस दे रहे हैं। ठीक है।
बाजार देख सकते हैं, बेहद ही खूबसूरत है। और इस बाजार में शॉपिंग करने में, खरीदारी करने में सब्जियों की बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि इस बाजार के अंदर 5 रुपये में भी हम लोगों ने 4 पत्ता गोभी खरीदा है 5 रुपये में। और अभी और देखिए इस वीडियो के अंदर क्या क्या सस्ता मिलने वाला है। अभी हम लोग चलिए अभी इससे भी नज़ार होने वाला वीडियो, तो आप लोग वीडियो बने रहिएगा, वीडियो कहीं स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों इस बाज़ार के अंदर अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे भतवा साग होता है, देहाती साग, वो 20 रुपये किलो दे रहे हैं। और ये धनिया पत्ता 5 रुपये पीस है, देख सकते हैं छोटा छोटा बनाया गया है धनिया पत्ता को 5 रुपये पीस बेचने के लिए। तो आइए आपको दिखाते हैं भतवा साग। ये भतवा साग कहाँ है? हाँ नहीं, नहीं, नहीं। ये देखिए दोस्तों, ये भतवा साग है, हम बहुत नाम सुने हैं, कभी खाए नहीं हैं, तो चलिए ले लेते हैं 1 kg भतवा साग 20 रुपये किलो दे रहे हैं। ये साग का क्या फ़ायदा है? बहुत फायदा करता है, कुछ बताइए फायदा, तभी तो खाली फायदा करता है, फायदा होता है भैया, फायदा होता है मतलब ताकत उकत, खून आग का रोशनी, ये सब ना, इसको खाइएगा तो खून ज़्यादा होता है। तो चलिए हम लोग, ताकत ही बढ़ता है। ये देखिए छोटी सी मुन्नी, कितना धनिया दे, 2 मुट्ठी? नहीं, 1 मुट्ठी दे देना, 1 मुट्ठी और यहाँ 1 मुट्ठी दे देना, 2 मुट्ठी। चलिए हम लोग 200 लेते हैं। ये देखिए टमाटर, टमाटर इतना महंगा दे थी तो ना, 10 रुपये महंगा हो रहा है बाबू। देखिए दोस्तों महंगा नहीं लग रहा आप लोगों को टमाटर? 10 रुपये किलो। टमाटर देखिए ना कैसा कैसा टमाटर, देखिए देखिए टमाटर है कि क्या है, ये लग रहा है छोटका पिचका हुआ टमाटर। हंस लीजिए ना, तो ये छोटका बुझा रहा है। देखिए छोटी बच्ची कितनी हंस रही है अपनी दादी के साथ, कि नानी है, दादी है और दादी, देखिए दादी पोते का रिश्ता, देखिए अपनी दादी के साथ आई सब्जी। भैया स्कूल में पढ़ती हो ना बाबू? हाँ स्कूल में पढ़ना लिखना ठीक है, दे दीजिए 1 किलो टमाटर भी, जाइए बच्ची के लिए। इधर मटर, इधर मटर हो दादी, कैसे ले? ये देखिए दोस्तों कैसे ले, टमाटर ले रहे हम लोग। बोल को अति लाए दे 5 रुपया पीस बेच ले काल ने, अति ये तो बाग बोल रहा है, कतई सुंदर सुंदर डाली प्लास्टिक डाल दे, 3 गो पैसे दे दे वही दोस्तों। हम लोगों ने बहुत सारा शॉपिंग कर लिया है, खरीदारी कर लिया है वीडियो का, तो चलिए वीडियो को बने रहिएगा। अभी बाजार का वक्त ही है, बाजार लग रहा है, और जब ये बाजार शाम का वक्त होगा तो बाजार में भीड़ हो जाएगी, और बाजार के अंदर सब्जियों के साथ साथ आपको खाने के लिए पकौड़ी कौड़ी मिलेगा, और चप्पल जूता भी मिलेगा। देख सकते हैं अभी ये चप्पल का लग रहा है, यहाँ पे बाजार के अंदर चप्पल उप्पल जूता उत्ता हर कुछ मिलता है। अभी ये बाजार लग रहा है, अभी ये शाम तक रहता ना भैया बाजार दोस्तों, ये शाम तक रहता है, ये सकते दोस्तों। अभी ये बाजार लग रहा है, चप्पल उप्पल है, और आगे देखिए कपड़े का है, यही गड्डी देखिए यहाँ पे। और जैसे जैसे शाम होते रहेगा गाइस, ये बाज़ार के अंदर भीड़ होती जाएगी, और लोग भी खरीदारी करने के लिए इस बाज़ार के अंदर आएंगे। दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, आप लोगों को देखा पोचर बाज़ार, बेहद ही खूबसूरत और छोटा बाज़ार है, लेकिन इस बाज़ार के अंदर कितना सड़क के किनारे लगाया गया था ये बाज़ार, और अभी ये बाज़ार इसलिए भीड़ नहीं था क्योंकि इस बाज़ार के अंदर अभी सुबह का वक्त था, अभी 12 बजे जिसके हम लोग जल्दी आ गए थे गाइस आप लोगों को दिखाने के लिए। और ये बाज़ार में बहुत से लोग जब धीरे धीरे शाम का वक्त होगा 3-3.30 बजे करीब आसपास होंगे, तो यहाँ पे लोग आएंगे बाज़ार में खरीदारी करने के लिए, और लोग इस बाज़ार के अंदर बहुत चहल पहल बढ़ जाएगा। और ये बाज़ार शाम के 6 बजे शाम को करता है, क्योंकि ये बाज़ार बहुत चहल पहल और किनारे है, यहाँ पर लोग आते हैं खरीदारी करने के लिए। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आप लोग अच्छा लगा हो तो इस सरखंडी भाई के चैनल को आप लोग ढेर सारा प्यार दें, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करें गाइस। तो चलिए चलते हैं, हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो में, नए ब्लॉग में, नए गांव के साथ, और ये इस गांव से सीखने को मिला, तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। मतलब आप लोग मेरे पहले वाले वीडियो को देखें और एंजॉय करें गाइस, और नीचे कमेंट बताएं आपको घना हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो सरखंडी भाई के चैनल को ढेर सारा प्यार दें, और सामने एक बटन होगा उसे दबा दें। चलते हैं गाइस।